गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रही थी, कोई भी जानकारी मेरे द्वारा आपको नहीं दी जा रही थी, तो इसका कारण आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और एक नई शुरुआत फिर से करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या मेरे साथ हो गई थी और ये जीवन का एक सत्य है। आपको मेरी जो वेशभूषा दिख रही है ये उसी का साइड इफेक्ट है। प्रॉब्लम ये हुई कि आपको पता है कि पिछले जब से यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई है, आपने कई सारे लोग मुझसे लगभग 5 साल से जुड़े हैं और वो जानते हैं कि मेरे पास एक डॉगी था जिसका नाम मंगली है, और वो पिछले 12 साल से मेरे साथ थी। और यूट्यूब की जर्नी में कई बार वीडियोस में आई है, कई बार बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोग उसे बहुत पसंद करते थे। और अभी 1-2 साल से मैं जब से बाहर रहने लगा हूँ तब से वीडियोस में उसका जिक्र नहीं होता था, लेकिन जब पहले मैं घर पे रहता था दिल्ली में तो वो वीडियोस में आया करती थी। तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके किडनी और लीवर बिल्कुल ही फंक्शन नहीं कर रहे थे, वो काम ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। तो आप लोगों से मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या ये बहुत जल्दी हुआ या फिर और मतलब वो और समय तक रह सकती थी, क्योंकि बेसिकली वो डेड हो चुकी है, उसका देहांत हो चुका है शुक्रवार के दिन। और पिछले लगभग 10-15 दिन 20 दिन से वो बीमार थी और उससे पहले से ही वो खाना पीना नहीं खा रही थी। और आपको भी ये सोचना चाहिए, ये फील करना चाहिए कि जब आपके साथ कोई आपका बहुत ही प्रिय 10-12 साल कोई भी आपके आप किसी भी सामान, जैसे आपका अगर कोई टीवी भी है 10-12 साल से आपके साथ है, तो जब वो टीवी खराब होती है या उसको जब बेचा जाता है किसी कबाड़ी वाले को, तब भी मन में एक थोड़ा सा पेन सा होता है, एक अलग अजीब सी घबराहट होती है। लेकिन यहाँ तो एक जीव था जो कि फैमिली मेंबर के जैसे था, तो वो नहीं है हमारे बीच में, और इसलिए मैं कोई भी यूट्यूब की वीडियोस नहीं डाल रहा था। कुछ मन ही नहीं कर रहा था कि क्या बताऊँ कैसे करूँ, क्योंकि तो बार बार मन वहीं भाग रहा था। और अभी आज संडे है तो मैंने सोचा कि अब जो होना था वो तो हो गया, तो क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए, एक नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तो आप लोग ये बताइएगा मुझे कि लगभग वो 12 साल से थी हमारे पास और पोमेरियन डॉग था वो, और वो जब हमारे पास आई थी तो वो ऑलरेडी बच्चा ही थी, और उससे पहले ये नहीं पता था कि उसका जन्म कब हुआ था, हमें ये नहीं पता था। तो हम ये मान के चलते हैं कि साल 6 महीने या 6 महीने की हो या लगभग जब से हमारे पास थी, जब हम वही टाइम काउंट करते हैं कि वो 12 साल थी हमारे पास, तो उसकी उम्र 12 साल ही थी। तो अब आप ये बताइए कि क्या लगभग 12 साल उसने जो अपना जीवन जिया वो ठीक था या वो और जी सकती थी? आपके आस पड़ोस में कोई भी डॉगी जो इतना लंबा जिया हो तो आप उसके एक्सपीरियंस से मुझे बता सकते हैं, ताकि जो मेरे अंदर घबराहट है कि यार हम और कुछ कर सकते थे, वो टेंशन से मैं थोड़ा सा बाहर आऊँ। क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया, मैं आपको बता नहीं सकता कि जब आप एक नया डॉगी खरीदने जाते हैं तो 4-5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार में आपको एक नया डॉगी मिल जाता है, लेकिन लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये मेडिकल में मैंने उसके लगाए। और ये सब बताने का तात्पर्य यही है कि मेरे अंदर जो भी चीज़ है वो बाहर निकल गया है, ताकि मैं कुछ शुरू कर पाऊँ नए तरीके से, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद मन नहीं मानता था, क्योंकि उसको इतना पेन था, उसकी समस्याएं बहुत सारी थी। सबसे पहले तो उसने 15-20 दिन से खाना नहीं खाया, ज़बरदस्ती इंजेक्शन से उसको दूध उसके मुंह में डाल, मतलब प्रेशर से मार के उसको पिलाया जाए, पानी पिलाया जाए, और वो हाँफ हाँफ रही थी ज़्यादा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक इंसान उतना पेन मतलब कैसे झेल पाता, वो भी एक इंसान ही थी।
तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं हमसे कहाँ गलती हुई या डॉक्टर से कहाँ गलती हुई, क्योंकि यहाँ पे लोकल में जब भी पेट के लिए हम लोग जाते हैं इलाज कराने, तो मैंने ये सीखा है कि आप कभी भी लोकल में नहीं जाएं ना भी, और ना ही आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इंसानों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाल बेहाल होता है, तो ये तो जानवर हैं, और मैक्सिमम यही हर जगह है। अगर आपके पास 10 इतनी प्यारी चीज़ है और आप उससे इतना प्यार करते हैं, तो थोड़ा सा खर्च करके आप डायरेक्टली फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तरह प्राइवेट क्लिनिक में, और अच्छे प्राइवेट क्लिनिक में जाइए जो कि रेपुटेटेड हो, जैसे कि आप किसी लोकल एरिया में रहते हैं, लेकिन उस एरिया में मत जाइए, आप उससे अच्छे जो मान लीजिए कोई पॉश एरिया है, पॉश एरिया का मतलब जहाँ जैसे कुछ DDA फ्लैट के पास में कोई क्लिनिक है, या कोई बहुत अच्छा जो आपके, जैसे आप मान लीजिए कि बिहार में रहते हैं, तो बिहार में आपका जो मान लीजिए पटना में कोई क्लिनिक है, तो आप पटना आइए। आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में ये सर्च कीजिए कि सबसे बड़े शहर में अच्छा क्लिनिक कहाँ है, लखनऊ में, इलाहाबाद में, वहाँ जाइए। अब अपने लोकल में नहीं दिखाइए, क्योंकि मैंने जो फील किया है वो बहुत ही पेनफुल था। मेरी शुरुआत ऐसे हुई कि मैं सबसे पहले लोकल में गया, उन्होंने देखा, और अक्सर यही होता है कि पेट वेटरियन जो हैं लोकल में, वो क्या करते हैं कि असिस्टेंट रखते हैं, और वो चेक भी नहीं करते कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है डॉग को। डायरेक्टली गए, जो पूछा क्या क्या नहीं कर रही है, खाने भी अच्छा ठीक है, असिस्टेंट को बोला ये, लगभग 8 से 10 इंजेक्शन लगा दिए, और कल फिर आ जाना। और ऐसे करके 2 दिन यहाँ ख़राब किए। उसके बाद किसी ने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, वहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ इलाज अच्छा होगा। वहाँ चला गया, वहाँ और भी हालत ख़राब है, क्योंकि वहाँ तो एक लंबी भीड़ है, और मैक्सिमम जो डॉगी होते हैं वो कम उम्र के लोग वहाँ वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, जो रेबीज से बचाने के लिए होता है, तो उन्हें तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो इंजेक्शन बाहर से खरीद के केवल उनको लगाना है, तो वो लगाते हैं, और बाकी जो इलाज होता है इलाज वो लोग नहीं सही करते, क्योंकि वो उसी इंजेक्शन से एक डॉगी का इलाज कर रहे हैं, उसी इंजेक्शन से दूसरे का कर रहे हैं, उसी से तीसरे का कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने देखी, तो मैंने सोचा कि यार ये तो मैं और गलत जगह आ गया। और लास्ट में देन मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे, और अपने एरिए को छोड़कर 10 किलोमीटर आगे मेन दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में पश्चिम विहार में एक क्लिनिक है, आप पश्चिम विहार जो भी दिल्ली में रहते होंगे वो जानते होंगे कि पश्चिम विहार एक पॉश एरिया है, वहाँ पे मैं पहुँचा, और वो अच्छा क्लिनिक था, डॉक्टर धीरज पेट क्लिनिक करके है, अगर किसी को भी समस्या है अपने पेट को लेकर तो वो मुझे बताएगा कमेंट में, मैं बताऊँगा कि कहाँ जाना है। तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अच्छे से इलाज शुरू किया, और सबसे पहले 2-3 दिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, और उसके बाद उसका टेस्ट करवाया। सोचिए, टेस्ट मेरे जीवन में मैंने पहली बार 10 से 12 साल से एक जानवर को अपने साथ रखा, और मुझे ये नहीं पता था कि इनका भी टेस्ट होता है, सोचिए। और उन्होंने बोला, और मैंने फट से बोला हाँ कराइए टेस्ट, लगभग 2700-2800 रुपये का टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट में पता चला कि इनकी जो डॉग है, इनकी लीवर और किडनी बिल्कुल, इसके सेल्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम इस जानवर को लंबा खींच सकते हैं, लंबा मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा जीने के लिए इसके अंदर जो भी हम दवाइयाँ हैं वो दे के इसको लंबा खींच सकते हैं, और उसके बाद जो भी इसके सेल होंगे अंदर के, वो ऑटोमेटिक अगर अपने आप ग्रो करने शुरू करती है, तो हो सकता है ये 1-1 साल और चल जाए, ऐसा उन्होंने कहा, और मैं राज़ी हो गया, और उन्होंने इलाज शुरू किया। लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई थी, ये मुझे भी फील हो रहा था, डॉक्टर ने भी बताया कि इतनी उम्र बहुत होती है, और इतनी उम्र के बाद सेल का रीजनरेशन होना इम्पॉसिबल सा है, लेकिन किसी किसी केस में होता भी है, तो इसी आशा पे मैंने इलाज शुरू किया, और शुरू करते करते, और फिर शुक्रवार को रात में मैं लेके जा ही रहा था अपनी मम्मी के साथ, अपने डॉगी को लेके क्लिनिक में, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तो ये थी स्टोरी, अभी मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एक मोटा मोटा मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है, और अगर पेट के तौर पे जानना चाहते हैं कि हमें अपने पेट के साथ ऐसा क्या नहीं करना चाहिए था जिससे कि जो मैंने फील किया है वो आप ना करें, तो मैं एक अच्छे से बताऊंगा कि कैसे 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 क्या क्या करना है। और अभी
शुरू करेंगे हम फिर से। और जीके जीएस के लिए मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था, तो कुछ शुरू करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। और मेरा जो दर्द है वो दर्द निकालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, और आप बता सकते हैं कि क्या 12 साल सफिशेंट था या मुझसे कहीं गलती हुई, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और ये मेरी वेशभूषा चेंज हो जाएगी, आज संडे है, और जो भी मेरे अंदर था दर्द वो इस 10-12 मिनट की वीडियो में मैंने बोल दिया। जय हिंद।